नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। जानेंगे इस वीडियो में बैंक ऑफ इंडिया के लिए जो नेट बैंकिंग होती है उसके लिए हम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और नेट बैंकिंग को हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं रियल एजुकेशन चैनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपको कोई भी चीज समझना है, मतलब रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में कहीं मिस्टेक लगे या फिर आपको एक्टिवेशन में कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बेझिझक कमेंट में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है। और कमेंट में अगर बाय चांस कभी रिप्लाई नहीं हो पाता है, क्योंकि कमेंट्स हो सकता है बहुत सारी कमेंट्स एक साथ भी आ जाती है कभी कभार, तो उसकी वजह से रिप्लाई छूट जाते हैं, कभी कभार किसी को रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको क्या करना होगा, इंस्टाग्राम पे मेरी एक आईडी है जिसका नाम है रियल एजुकेशन फॉर यू। वहां पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहां पे जब आप मुझे मैसेज करेंगे तो वहां पे आपको रिप्लाई इंस्टेंटली देखने को मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जान लेते हैं नेट बैंकिंग के लिए हम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले नेट बैंकिंग क्रिएट करने के लिए हमें एक बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। ध्यान रहे, बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट होनी चाहिए, आप कहीं फेक वेबसाइट पे ना चले जाएं। अगर आप कहीं फेक वेबसाइट में चले गए तो हो सकता है आपको नुकसान भी हो जाए, इसलिए ध्यान समेत हमेशा देख के वेबसाइट ओपन कीजिए। यहाँ पे लिखा है www.bankofindia.com, ये .in है क्योंकि इंडिया के लिए इन लगता है, तो इसी वेबसाइट को हमें ओपन कर लेना है। अगर आपको वेबसाइट नहीं मिल रही है या फिर आपको लग रहा है कि ये फ्रॉड हो सकता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम कॉन्टेक्ट कीजिए। इंस्टाग्राम पे मेरी जो हैंडल है वो है रियल एजुकेशन फॉर यू, वहां पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही है चीजें तो भी वहां पे आप पूछ सकते हैं, वहां पे आपको जवाब जल्दी से जल्द देने की मैं कोशिश करता हूं। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं साइड में लिखा होगा ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है पर्सनल और कॉर्पोरेट, दो ऑप्शन मिल रहे हैं। अगर आपका करंट अकाउंट है कॉर्पोरेट के ऊपर क्लिक कीजिए, अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो पर्सनल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अभी दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कभी कभार पर्सनल के ऊपर क्लिक नहीं होता है और ये मिस्टेक काफ़ी बार देखने को मिलती है, मेरे पास भी आई है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, आपको यहाँ पे 3 डॉट्स ऊपर दिख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे डेस्कटॉप साइड के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये जो मिस्टेक है आपकी सॉल्यूशन हो जाएगी। ये काफ़ी बार इनकी साइड में ग्लिच रहता है, पर्सनल के ऊपर क्लिक नहीं होता, बट अब पर्सनल के ऊपर क्लिक हो जाएगा। हम पर्सनल के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे इस टाइप की हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है और यहाँ पे क्या दे रखा है, ओके के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। और दूसरी चीज़ें यहाँ पे क्या दे रखी है, इन्होंने एक इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह मोजिला फायरफॉक्स है, ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और फिर हम ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। इंटरनेट कनेक्शन मेरा थोड़ा स्लो है इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा धीरे काम हो रहा है, बट यहाँ पे मैं आपको वो दूसरी परेशानी नहीं होने दूंगा। और कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप भी आपको सारे सॉल्यूशंस देखने को मिल जाएंगे। अब न्यू यूज़र के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना अकाउंट का नंबर लिखना है, जो अकाउंट का नंबर आपके बैंक में है, आपका जो अकाउंट नंबर है वो लिख लीजिए। और आपका जो बैंक के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर है, बैंक के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर आपको लिखना है। पर मोबाइल नंबर लिखने से पहले आपको 91 लिखना है, मतलब 91 लिखना है, और उसके बाद में आपको जो भी आपका मोबाइल नंबर वो आप टाइप कर लीजिए, पर शुरू 91 से ही आपको करना है। फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर भी आपको लिख लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख लेता हूँ। अकाउंट नंबर लिखने के बाद में दूसरी चीज़ें क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अब अकाउंट नंबर लिखने के बाद में यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कोड दे रखे हैं, ये जो सेम कोड है वो हमें यहाँ पे नीचे लिखना होगा। जैसे लिखा है यू लिखा है, फिर जे लिखा है, जी लिखा है, 7 है, एस है और ओ है। अब जो भी आपके सामने दे रखी है इन्होंने चीज़ें, वो सारी चीज़ आपको फिलअप कर लेनी है और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा गया है आपके पास एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपसे कुछ डिटेल्स पूछी जा रही है। सबसे पहला पूछा जा रहा है आपके ATM कार्ड का जो डेबिट कार्ड है उसके पहले के जो 4 डिजिट नंबर है वो यहाँ पे लिखने हैं, फिर नीचे आपको लास्ट के जो 4 डिजिट नंबर है वो यहाँ पे आपको टाइप करने हैं, फिर एक्सपायरी डेट आपको लिखनी है और ATM का जो पिन नंबर है वो लिखना है। ये कम्प्लीटली सेफ है, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। अगर आपको बता रहा है कि कोई चीज़ की में प्रॉब्लम है तो ध्यान रहे, एक चीज़ याद रहे, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट होनी चाहिए बैंक ऑफ इंडिया की, आप कभी भी किसी भी फेक वेबसाइट पर मत जाना,
वरना आपका प्रॉब्लम हो सकता है, बट ओरिजिनल वेबसाइट पे, बैंक की वेबसाइट पे कभी दिक्कत नहीं होती है। और फिर भी कोई दिक्कत आपको आ रही है, आपको वेबसाइट नहीं मिल रही है या फिर ये लिंक नहीं मिल रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। रियल एजुकेशन फॉर यू नाम का मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। अभी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में हमें यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर प्रेस कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे आई एग्री के ऊपर टिक लगा देना है और आई एग्री के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप अपना लॉगिन पासवर्ड क्रिएट कीजिए। आपको लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करना होगा। सबसे पहली चीज याद रहे, आपका जो लॉगिन पासवर्ड है वो मिनिमम 6 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और मैक्सिमम है 28 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे काफी लोगों का जो लॉगिन पासवर्ड है नहीं बन पाता है। अगर आपका लॉगिन पासवर्ड नहीं बन रहा है तो मैं आपको बता दूं आपको क्या करना होगा। सबसे पहला जो लेटर है वो कैपिटल लगना है, फिर उसके बाद में जो जितने भी लेटर्स है वो स्मॉल रखने हैं, उसके बाद में कोई भी आपको एक सिंबल लगा देना है, फिर आपको कोई भी एक नंबर लिखना होगा। आपका जो भी नाम हो, जैसे मान लीजिए आपका नाम राजू है, तो आप क्या करेंगे, आर बड़ा रखेंगे, ए जे यू ये छोटा रख लेंगे। उसके बाद में आपको कोई भी एक सिंबल लगा देना है, स्टार डॉलर है परसेंट, जैसे मैंने कोई भी एक सिंबल लगा दिया। उसके बाद में आपको कोई भी एक नंबर लिखना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको जो भी ठीक लगे। ये लिखने के बाद में यहां पे कंफर्म कर देना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंफर्म और कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी कि आपकी जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये सेम है। आपको ये कंफर्मेशन मेल मिलेगा, यहाँ पे आपका कंफर्मेशन हो जाए तो उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे बताया गया है कि आपकी जो इंटरनेट बैंकिंग है वो एक दिन के अंदर अंदर चालू कर दी जाएगी। पर ध्यान रहे, यहाँ पे इन्होंने ये भी चीज़ बताई है, 1 वर्किंग डे के अंदर अंदर आपकी ATM की जो यार इंटरनेट बैंकिंग है वो एक्टिवेट कर दी जाएगी। पर यहाँ पे वर्किंग डेज का मतलब ये होता है कि जिस दिन बैंक चालू हो, अगर उस दिन बैंक बंद है तो आपका जो मतलब काम है वो आगे एक्सटेंड हो जाएगा। जैसे कि आपने ये जो है काम अभी आपने इंटरनेट बैंकिंग का किया है, जैसे मान लीजिए अगर आज संडे है तो अगर आप संडे के दिन वो गिनते हैं तो वो दिन उनमें नहीं गिना जाएगा, वो फिर नेक्स्ट हो जाएगा। मतलब जितने भी दिन होंगे जहां पे छुट्टी होगी बैंक की वो इसके अंदर नहीं गिना जाएगा, उसके बाद वाला दिन यहां पे गिना जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसके बाद में ये जो यूजर आईडी आपको दी गई है, इसी यूजर आईडी से और आपको जो पासवर्ड आपने क्या इसी पासवर्ड से आप कभी भी लॉगिन कर सकते हैं अपने यूजर आईडी में, वो भी एक दिन के बाद में। आशा करता हूं जो इंफॉर्मेशन मैंने आज आपको पहुंचाई आपके लिए फायदेमंद रही होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।